बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद अली। वेलकम टू माय चैनल माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग। डियर फ्रेंड, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2013 के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, जो कि आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड को ओपन कर लेते हैं। हम फिलहाल कीबोर्ड से विंडो बटन को दबाकर आर प्रेस करें, और यहाँ पे आपको विन वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और आप इंटर करेंगे तो देखो आपका वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टैब्स नज़र आ रही हैं, अगर आपने वर्ल्ड का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप ये टैब्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बट आप लर्निंग मोड में हैं तो यहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। तो फ्रेंड, आज हम आपको सबसे पहले होम मेन्यू के बारे में बताएंगे, जो कि होम मेन्यू के ऑप्शन से के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कट है, कॉपी है, इनका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं तो फ्रेंड, तो हमें टाइम लग जाता है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू एक फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इजीक्यूल आर एंड डी और ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर। अभी अगर इंटर प्रेस करेंगे तो देखो हमारा डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर हम चाहते हैं फ्रेंड, जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है, अगर हम चाहते थे सबसे ये बीच वाला पैराग्राफ है हमें नीचे टाइप कर देना चाहिए था, जो कि हमने बीचों बीच में टाइप कर दिया है। तो हम यहाँ से अगर हम इसे चाहते हैं हम नीचे एडजस्ट कर लें, तो सबसे पहले हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल फ्रेंड, मैंने माउस के थ्रू से सिलेक्ट किया है, बट आप चाहते हैं कीबोर्ड से आप सिलेक्ट कर लें तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो कीज जो राइट लेफ्ट है उनके थ्रू भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ, जैसे कीबोर्ड में से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन को अगर मैं दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे साइज बढ़ रही है। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं लेस देन को यहाँ पे दबाऊंगा तो देखो कम हो रही है। फिलहाल तो मैं बढ़ा देना चाहता हूँ तो थोड़ी सी हम इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं, और कट करके इस कर्सर को हम याद रख लेते हैं, और यहाँ पे हम देखो फिर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में पैराग्राफ था वो नीचे एडजस्ट हो चुका है। अगर बट आप चाहते हैं कीबोर्ड के साथ पी भी आप कर सकते थे, उसके जरिए भी आपका यहाँ पे पेस्ट हो सकता था, बट लेकिन अब हम चाहते हैं, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा कॉपी का। तो हम फ्रेंड, जो सेम पैराग्राफ हमने नीचे एडजस्ट किया है, हम चाहते हैं हम यही पैराग्राफ जहाँ से हमने कट किया था यही सेम पैराग्राफ वहीं पर भी एडजस्ट हो जाए। तो बस आपका सेम ही प्रोसीजर होगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कॉपी कर ले, और यहाँ पे आप पहले यहाँ पर कसर को यहाँ पे रख लें, और आप इंटर बना के थोड़ी सी जगह बना लें, और आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो देखो यहाँ पे भी सेम पैराग्राफ आ चुका है बीच में, और नीचे भी आ चुका है। तो फिर अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट। तो हम चाहते हैं हम टेक्स्ट को, हमें पैराग्राफ को हम स्टाइल दे दें, तो हम यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे। अब हमको यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल नज़र आ रहे हैं, अब आपको इनमें से जो भी स्टाइल अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर आपको 18 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखो साइज़ बढ़ रही है, अगर आप कम करना चाहते तो आप कम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, और आप चाहते हैं तो यहाँ से भी आप सेम प्रोसीजर होगा, ये देखो यहाँ पे बढ़ रही है, अगर हम कम करना चाहते तो यहाँ से कम कर सकते हैं। जब हमारे पास फ्रेंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेंज केस, हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये चेंज केस। अगर हम चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हमने तैयार कर लिया है, हमने टाइप कर लिया है, लेकिन हमें जो कैपिटल में जो नहीं है, अगर हम इसे कैपिटल में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ी इसकी पहले हम साइज को बढ़ा लेते हैं, और हम यहाँ से चेंज केस पर हम क्लिक करते हैं, और जो हमें अपियर केस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका देखो कैपिटल में हो जाएगा, जैसे ही यानी सब अक्षर आपके बड़े हो जाएंगे। अगर आप इसको आप कोई भी आप जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, या आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स जो बनाना चाहते हैं अपनी माइंड के थ्रू, या फिर आप ऑप्शन चूज करके बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल सेम कंडीशन है सेंटेंस केस पे रख देता हूँ। तो यानी सबसे
पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है बोल्ड। अगर हम अपने पैराग्राफ को हम अपने लाइट को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हमारी राइटिंग थोड़ी तो बोल्ड हो चुकी है, तो भी यहाँ पे साइज भी बढ़ा देते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से आपको ये पैराग्राफ नजर आएगा। आप अगर चाहती है तो आप कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल बी के साथ भी आप बोल्ड कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन जो अब हमारा है इटैलिक। हम इस पैराग्राफ को भी पहले थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी थोड़ी साइज भी बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इटैलिक पे हम क्लिक करेंगे तो देखो इसमें और आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा, यानी इतना इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आपको महसूस होगा, यानी ये पैराग्राफ की आपकी जो राइट है वो अलग है और ये जो है वो अलग है। तो यानी अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है अंडरलाइन। अगर हम चाहते हैं हम इस पैराग्राफ के नीचे हम अंडरलाइन लगा दें ताकि हम चाहते हैं इसमें लाइन आ जाए, तो हम यहाँ पे बस लाइन यू पर हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो अंडरलाइन लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो कंट्रोल यू के साथ भी आप ये कर सकते हैं। और आप चाह नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिकर थ्रो। अगर आप चाहते हैं हमारे पैराग्राफ थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आए तो यहाँ पे हम देखो क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ कटा हुआ आपको नज़र आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है फ्रेंड एक्स बेस 2 है और एक्स स्क्वायर 2 है, जो कि एक्स स्क्वायर 2 जो है वो हम मैथमेटिक्स के फार्मूलों में हम यूज़ करते हैं और जो बेस 2 है वो हम केमिस्ट्री के फार्मूले में यूज़ करते हैं, जो कि हम आपको नीचे यूज़ करके हम आपको बता देते हैं। तो जैसे फ्रेंड हम आपको बताते चले यहाँ पे आपको जो पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है पेज 1 ऑफ 2। जैसे हमने पहले हम फर्स्ट पेज पे देखो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, जैसे हमने इसकी थोड़ी सी साइज वगैरह बढ़ाई है तो हमारा पेज ये यहाँ पे फुल हो चुका है, ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। जैसे देखो आपको बता रहा है आप यहाँ पे आपको बता रहे हैं पेज 2 ऑफ 2, यानी हमारे पास पेज 2 अवेलेबल है और हम पेज 2 पर मौजूद है, यानी हमारा पेज 1 पर हमने जो काम कर रहे थे वो पेज फुल हो चुका है, अब हमारे पास पेज 2 ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमको यूज़ करके बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे पानी का फार्मूला टाइप कर लेते हैं, जैसे H2, अब H20 लिख लेते हैं। आप देखो यहाँ थोड़ी सी साइज भी बढ़ा लेते हैं, फिर हम साइज बढ़ा लेते हैं। अब देखो H20 बिल्कुल ये नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ सॉरी फ्रेंड यहाँ पे हम 2 को सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो आपको H2 ही लगेगा। तो H2 ये देखो केमिकल का फार्मूला बन चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा है मैथमेटिक्स का फार्मूला, यहाँ पे हम एक फार्मूला टाइप कर लेते हैं, जैसे ही बी स्क्वायर प्लस सी लिखना है हमें, प्लस जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया है B² + C² तो हम इसकी थोड़ी सी हम साइज यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो इसको हम देखो सेम ही प्रोसेस को सिर्फ हमें 2 को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर तक क्लिक करना है, तो हमारा देखो ये एक भी हमारा मैथ का फार्मूला बन चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है जो हम चाहते हैं हमारी यहाँ पे अपनी टेक्स्ट की थोड़ी सी कलर चेंज कर लें, तो हम यहाँ पे उसकी कलर भी चेंज कर सकते, जैसे पहले ब्लैक लग रहा था अब देखो अगर चाहते हैं हम यहाँ पे भी ब्लैक कर सकते हैं, इस देखो यहाँ पे भी ब्लैक हो सकता है, लेकिन अब हमें टेक्स्ट की कुछ और कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, ब्लू चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आया हमारा हाईलाइट, यानी हम चाहते हैं तो टेक्स्ट हाईलाइट कर ले, हमने अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर ले, तो अब यहाँ पे देखो हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एक कलर आपको नजर आएंगे, आपको जो भी यहाँ पे अच्छा कलर लगे। तो आप कल फिलहाल हमने ये कलर चूज़ कर लिया, जैसे तो अब हम चाहते हैं कि फ्रेंड हमें ये यहाँ पे कलरिंग ना चाहिए जैसा था वैसा ही ये पैराग्राफ बन जाए, तो हम यहाँ पे नो कलर कर देंगे, तो देखो जैसा था वैसा ही यहाँ पे बन चुका है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है फॉल्ट कलर। तो अगर हम चाहते हैं अगर हम फॉल्ट को कलर देना चाहते हैं, हमें लाइनिंग को कलर देना चाहते हैं, जैसे हम सपोज करो ये एक लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे डिफॉल्ट कलर में आकर कोई भी हम यहाँ पे कलर चूज करके लगा देते हैं। जैसे यहाँ में येलो कलर हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो देखो हमने जहाँ तक सिलेक्ट किया था उसी लाइन में कलर आ चुका है। बट आप चाहते हैं कलर ना सॉरी बट आप चाहते हैं जैसे कलर ना आए तो अगर कलर ना आए तो हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आप भी देख रहे हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो अगर हम चाहते हैं हमारे फॉर्मेटिंग जो हमने की है वो सारी हम यहाँ पे ख़त्म कर लें, तो मुकम्मल यानी पूरे पेज की मैं आपको बात बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल ए के साथ पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड देखो जैसा हमने पेज क्रिएट किया था बिल्कुल वैसा ही पेज बन चुका है। जो भी हमने इसे एडिटिंग की थी, साइज बढ़ाई थी, कलर दिया था, सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और हमारा जैसा पेज था वैसे ही बन जैसे यहाँ पेज बन चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको होम मेन्यू के ऑप्शन आगे वाले ऑप्शनों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल इतना ही। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं आप हमें।